गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय फैशन अप चैनल। दिस इज मी भावना शिवन एंड रियली विश वेलडिंग फाइन। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। जाना हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय आवाज आ रही है उसकी पूं पूं मत बजाना। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय फैशन अप चैनल। दिस इज मी भावना शिवन एंड रियली विश वेलडिंग फाइन। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है साड़ी को रीयूज कैसे करें। साड़ी को रीयूज करके बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सूट में मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया, उसका डिजाइन उसका लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो साड़ी की मेरे पास बिफोर और आफ्टर दोनों की पिक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल हो और अगर आप लोगों को वीडियो इतना सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो ज्यादा से शेयर कर देगा, लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहां मैं अपने डेली लाइफस्टाइल की चीजें अपडेट करती रहती हूँ। इनमें रील्स वगैरह भी मैंने वहां पे शेयर कर रखे हैं, पोस्ट भी डाल रखे हैं बहुत सारी। तो पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक रेड कलर की साड़ी में से मैंने ये सूट कैसे बनाया। ये थी मेरे पास शिफोन की साड़ी फैब्रिक, इसका बहुत ही प्यारा सा पतला सा है एंड ये मैंने इस तरीके से ड्रेस इसमें रेडी किया है। ये हमारा आलिया कट आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है तो मैंने वो वाली ड्रेस इसमें से रेडी की है। प्रिंटेड है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने पूरा प्लेन रखा है, ट्रांसपेरेंट रखा है, देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे मैंने इस तरीके से लुक रखा है, इसका लेस लगा दे, बहुत अच्छा लग रहा है। साड़ी ट्रस्ट में मैंने सिर्फ बस मैंने खरीदी थी, मैंने इसको वियर करने के लिए फोटोज के लिए वियर किया एंड उसके बाद मैंने इस ड्रेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। और इसका जो बैक साइड है वो इस तरीके से पूरा प्लेन है तो पूरी फुल स्लीव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। नेक इसका इसमें नीतक बनाई है, पूरा यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखा है। इसके साथ अगर आप लोग चाहो ना कुर्ती वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, लेगी वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। तो इनको मैं बहुत जल्दी सेल भी करने वाली हूँ, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास नेक्स्ट ये वाला, ये मैंने होली पे साड़ी पहनी थी कुछ ही देर के लिए फोटोज क्लिक कराने के लिए, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी मुझे। ये हो गई हमारी जो हमारी बांधनी प्रिंट की साड़ियां होती है ना, उस तरीके की साड़ी थी ये, बहुत अच्छा लगा। इसका ना फैब्रिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट है और जो कहते हैं ना समर में ठंडा सा रहता है, इस तरीके का फैब्रिक है इसका। अगेन ये एक आलिया कट की कुर्ती है, इसका लुक आगे से इतना प्यारा लगता है, पहनने के बाद बहुत ही गजब लगती है। इसको मैंने कैरी किया था येलो कलर के दुपट्टे के साथ, इसमें मैंने मैचिंग की लेगी की कैरी की थी। आप लोग चाहो ना इसमें ना प्लाजो यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। गाइस आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा ना बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं कि साड़ी में आप लोग किस तरीके से रियूज कर सकते हैं। और भाई सिंपल सूट प्लाजो तो हर कोई बनाता है तो आप लोग कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। बाकी मैंने यहाँ पे फ्रिल वगैरह लगा रखी है, अगेन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखा है और इसकी लेस मैंने इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर रखी है, पूरी फुल स्लीव आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गया मेरा दूसरा डिजाइन। एंड तीसरी जो हमारी साड़ी थी इसमें से मैं यार मतलब इसमें मैं पिक ले ही नहीं पाई साड़ी की, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये हमारी अंगरखा स्टाइल की जो कुर्ती होती है वैसी उस तरीके का डिजाइन मैंने इसमें डाला है, हालांकि अंगरखा नहीं है, पूरी अनारकली कुर्ती है, बट इसका लुक उस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेस। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेस अटैच की है एंड पूरा प्लेन रखी है एंड यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट है। फ्लेयर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पूरा 6 मीटर का। नीचे भी मैंने एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैचिंग की 11 येलो कलर की लेस लगा रखी है। बांधनी प्रिंट का आप लोगों को ये साड़ी देखने के लिए मिलेगी एंड स्लीव इसमें मैंने पूरा फ्रिल रखते हुए मैंने लॉन्ग पूरी स्लीव बना रखी है। नेक इसका बहुत ही प्यारा है, वी का शेप लगाया है पूरा एंड बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुपर क्लासी सी कुर्ती रेडी हुई है। एंड ये इसका बैक साइड है, देख सकते हैं आप लोग। बैक साइड में मैंने यू का शेप नॉर्मल सा बनाया है, देन यहाँ पे लटकन लगाया, लटकन मैंने लेस लगा के इसको कंप्लीट लुक में कन्वर्ट किया, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो आई थिंक इस तरीके से भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, अनारकली कुर्ती में बहुत अच्छा लगेगा। पूरा यहाँ से प्लेन रखना, वेस्ट एरिया से जब पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ना बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डिजाइन, साड़ी को कैसे यूज करें। हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है ना उसके लिए मैंने मेरे पास ना एक ऑर्गेन्जा साड़ी थी, नोरा फतेही ने वो पहनी थी साड़ी तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ऑर्गेन्जा उसका फैब्रिक था ना तो मुझे ऑर्गेन्जा थोड़ी कम ही पसंद है, बहुत ही फ्लफी फ्लफी सी रह रही थी तो मुझे मैंने सोचा ना इसको ना कन्वर्ट करती हूँ। तो ये मैंने इसमें से ना सूट बनाया, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक सूट बन के रेडी हुआ है। लुक इसका आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। इसमें मैंने रील भी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे
और ये इसका बैक साइड का है। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट रखा ऊपर वाले को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैचिंग की लाइनिंग। मैंने इसमें सिल्क का फैब्रिक लिया ग्रीन कलर में, थोड़ा सा कंट्रास्ट में जाने के लिए। एंड बाकी हमारी जो साड़ी की लेस होती है वो मैंने यहाँ पे नीचे यूज़ कर ली और फ्रंट में यूज़ कर ली, देख सकते हैं आप लोग। और लुक इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग ना डिज़ाइनर आउटफिट रेडी कर सकते हैं सिंपल। आई थिंक ये एक और बहुत ही बेहतर ऑप्शन है साड़ी को यूज़ करने का, देख सकते हैं। हम अपनी पुरानी साड़ी में से जिनका आपको दिल भर गया ना, जिन साड़ियों में से, उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 4 ड्रेस का आइडिया। कैसा लगा आप लोगों को लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है लेट मी नो। और अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो देखना, तो अगर आप लोग दिल से चाहते हैं कि मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज उसके लिए ना आप लोग मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।